हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। एक क्लास रे आम 2020 मसीहा बीडी एग्जाम रे आसीथिबा 3 नवंबर 2020 रो बैच फर्स्ट रो समस्त क्वेश्चन को आर्ट्स रो डिस्कशन करबा। आपण साइंस टीम रो अटंती ताहले पार्ट 1 रो समस्त क्वेश्चन को देखि पारबे। एवं एहा पूर्व रो आपण जदि एबे पर्यंत 2014 मसीहा रो 2019 मसीहा पर्यंत समस्त समस्त शिफ्ट को डिस्कशन कराई, समस्त ईयर रो समस्त शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन कराई 2014 रु 2019 मसीहा रो। एवं एही क्लास रे आमे 2020 मसीहा रो फर्स्ट शिफ्ट रो बा 3 नवंबर 2020 रो फर्स्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एवं एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 मसीहा रु 2022 मसीहा पर्यंत समस्त बीडी एग्जाम रो बीएचडी एग्जाम रो आर्ट्स साइंस बोथ स्ट्रीम रो आमे डिस्कशन करबा। क्वेश्चन को आर्ट्स सरला पर आम साइंस रो क्वेश्चन को मध्य डिस्कशन करवा। आपण जदि एबे पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करूँ एवं बीडी एग्जाम पे वर्तमान क्लास चली आपण टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना ताले मध्य जॉइन होंतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि। तेणु आरंभ करवा प्रथम एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस रु आरंभ करवा। एवं इंग्लीश को मु पढ़ाईनि तेणु इंग्लीश को छाड़ी अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करवा बा अन्य शिफ्ट मानक डिस्कशन करा जाइछि। तेणु आरंभ करवा With M under Niti Aayog, which one of the below option is an integral part of national mission? कोटा गोटे national mission रो part अटे। आपण को जदि यह क्वेश्चन ठीक भाव देखा जाए आप quality को बढ़ाई के आपण देखु कहीं छोट छोट अच्छी क्वेश्चन। With M under Niti Aayog, which one of the below option is an integral part of national mission? कोटा गोटे national mission रो तार integral part अटे बा तार कार्य कौन अटे। कोटा अटे इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप होची तार कार्य अटे नेशनल मिशन रो। एवं नीति नीति रो फुल फॉर्म कौन अटे। नीति रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एवं यहाँ कहाँ को रिप्लेस करी करा जाइतला ए नीति आयोग को प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करी नीति आयोग कराला। यार चेयरमैन किए था प्रधानमंत्री था वर्तमान अच्छा नरेन्द्र मोदी यार चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इज ए प्रोग्राम कंडक्ट बाय द यही प्रोग्राम को किए कंडक्ट करते नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम बा एनटीएससी। एनटीएससी यह प्रोग्राम को किए यह गोटे स्कॉलरशिप प्रोग्राम अटे यह किए कंडक्ट करते नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बा एनसीईआरटी यह कंडक्ट करते कोटा को एनटीएससी। एनटीएससी गोटे एग्जाम होते थे एग्जाम को नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम यह एग्जाम को किए कंडक्ट करते एनसीईआरटी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं आप थ्योरी क्लास देखी ना एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस अन्य टॉपिक मानक प्ले लिस्ट को जाए देखिपारे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट ब्लू ग्लो इन कोस्टल ओशियन वाटर एट नाइट। अर्थात कोस्टल ओशियन रो जलटी ब्राइट ब्लू ग्लो होता है कलर राति से ऑर्गेनिज्म होता है ब्राइट ब्लू ग्लो कलर होता है समुद्र उपकूल जलटी नाइट्रे कहीं कहीं नक्टिलुका ऑर्गेनिज्म नक्टिलुका ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अर्थात वाइस चेयरमैन कहार वाइस प्रेसिडेंट कहार चेयरमैन था कहार था राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन किए था वाइस प्रेसिडेंट एवं राज्यसभा से मेंबर न था से राज्यसभा चेयरमैन था एवं तांकर एज के 35 वर्ष हेले से कार्य करें जो वाइस प्रेसिडेंट भाव एवं 5 वर्ष पाई एवं वर्तमान किए अच्छा वाइस प्रेसिडेंट आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन को कौन कहा जाए के 1948-1949 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आसी हूँ प्रथम एजुकेशन कमिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस रो यहाँ कौन कह जाए राधाकृष्णन कमिशन कहा जाए यहाँ एवं यार चेयरमैन किए थे एस राधाकृष्णन थे से राधाकृष्णन कमिशन कह यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन को यह एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखा रिजनिंग रो क्वेश्चन आपन लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ताहा मध्य करंतु। नेक्स्ट देखा रिजनिंग रो क्वेश्चन आपन को जदि देखा जाऊनि ताले आपन क्वालिटी को बढ़ाई के देखंतु कहीं ना क्वेश्चन बहुत छोट छोट अछि। मधुसूदन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अर्थात मधुसूदन कौन कर गोटे पॉइंट रु से स्टार्ट करछि एवं से पॉइंट रो ना कौन अटे ए अटे एवं तापर कौन कर 100 मीटर से नॉर्थ साइड को जाइछि। तेना आम प्रथम डायग्राम काटिबा, यहाँ हूँ नॉर्थ साइड, यहाँ हूँ नॉर्थ साइड एवं यहाँ हूँ यहाँ कौन कह नॉर्थ कहुए सैडटा साउथ कहुए यहाँ ईस्ट कहुए एवं यहाँ वेस्ट कहुए। ताहले मधुसूदन कौन कर 100 मीटर ए पॉइंट रु ए पॉइंट को जो आम ए देवा ताहले से केते दूर जाए 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर जाए। देन ही टेक्स यू टर्न, अर्थात यू टर्न नहीं यू टर्न माने कौन अटे तार ओपोजिट साइड रे हो जाए नॉर्थ साइड रे जदि थिला ताहले साउथ साइड को नहीं यू टर्न लिखा है देखंतु यू टर्न एंड वॉक 60 मीटर तापर यू टर्न नहीं कि यू टर्न माने तार ओपोजिट साइड को तापर यही जगह आसी एवं 60 मीटर से आसी जाए 100 मीटर जाइला 60 मीटर पुणी रिटर्न आसी ताहले से पॉइंट पर्यंत ए रु से पॉइंट पर्यंत केते हेबो 40 मीटर हेबो सेपटे जदि 60 मीटर आसी ताहले से पॉइंट पर्यंत केते हेबो 40 मीटर हेबो एठारे। तापर कोन कहा जाइछि तापर वॉक 60 मीटर साउथ पटे आसी अर्थात यही पटे आसी 60 मीटर। देन ही टर्न्स आफ्टर 10 टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट तापर से लेफ्ट टर्न नहीं साउथ पटे जदि से मुह करछि ताहले लेफ्ट कोटा हेबो एपटे हेबो एवं तापर ईस्ट साइड रे केते मीटर जाइछि 30 मीटर जाइछि। एंड रीच द पॉइंट बी, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द ए ताहले ए रु बी रो तार डिस्टेंस केते अछि कहा जाइछि या को जदि या ए दिया जाइछि ताहले या बी रे से पहुँचि ताहले या केते दूर अछि अछि कहा जाइछि। आपण जदि ठीक भाबर या देखा जाउनि ताहले नेक्स्ट थोर डायग्राम को करबा आपण जदि बुझि पारि नाहंती कोन कहा जाइछि मधुसूदन मधुसूदन गोटे पॉइंट रु से स्टार्ट करिछि तहार ना कोटा अटे ए पॉइंट रु तापर 100 मीटर जाइछि 100 मीटर नॉर्थ साइड रे 100 मीटर जाइछि तापर यू टर्न नैछि जदि नॉर्थ साइड रे से आग करिछि तापर यू टर्न माने तहार ओपोजिट को आसी जाइछि साउथ साइड को मुह करिछि तापर पुनी 60 मीटर केते आसी यू टर्न नैकि 60 मीटर आसी तापर लेफ्ट टर्न नैछि ए साउथ साइड रे जदि से मुह करिछि तनु लेफ्ट का कोट हेबो एपटे आसीबो एवं बी पोजीशन रे से पहुँचिछि एटा केते 30 मीटर आसी एपटे ईस्ट साइड रे ताहले एटा केते हेबो एटा हेबो 40 हेजिव से 100 प्रथम जाइला एवं 60 रिटर्न होइछि तेणु यह मागिछि या को बी ना दिया जाइछि तेणु यह केते हेबो कहा जाइछि एवं को डायरेक्शन रे मध्ये कहा जाइछि एवं को डायरेक्शन रे मध्ये कहा जाइछि तेणु तार डायरेक्शन कोन कोटा हेबो नॉर्थ ईस्ट हेबो तार डायरेक्शन टा कोन हेबो नॉर्थ ईस्ट साइड रे हेबो तेणु यार सठिक आंसर कोन हेबो डी हेबो बा एहा को आपण कैलकुलेट करि मध्ये करि पारिबे केमिति कैलकुलेट करिबे एही ए रु जदि आमे एटा को गोटे नेम चेंज नेम देबा ताहले एसी एसी इज इक्वल टू केते 40 मीटर एवं सी बी इज इक्वल टू केते अटे 30 किलोमीटर ताहले 40 एवं 30 रो जदि आमे स्क्वायर काटिबा बा ए बी इज इक्वल टू केते अटे ए बी टा हेउछि एच अटे तेणु ए बी इज इक्वल टू ए सी रो स्क्वायर प्लस सी बी रो स्क्वायर रो रूट ओवर ताहले मध्ये से बोली मध्ये आपण करि पारिबे या कोन आपण निजे करिबे को साइड रे कोटा हेबो यार सटिक आंसर ताहा गोटे त्रिभुज होइ जेबो समकोणी त्रिभुज एवं तार आपण स्क्वायरिंग करके बाहर करिले तार आसीबो नॉर्थ ईस्ट साइड रे हेबो एवं 50 मीटर हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बा आपण जदि बुझि पारि नाहन ताहले
नेक्स्ट टाइम करवा। देखु मधुसूदन स्टार्ट ए पॉइंट ए एंड वेल्क्स 100 मीटर। मधुसूदन गोटे पॉइंट रु 100 मीटर पर्यंत से जा अर्थात ए तार शहे मीटर जापर कौन कर यू टर्न नहीं नर्थ साइड में 100 मीटर जापर यू टर्न नहीं यूटर्न मान जो साइड अपोजिट साइड को हो साउथ साइड रे तापर 60 मीटर पुणी रिटर्न आसी यहाँ को नहीं जानतु 60 मीटर तापर कौन कर साउथ साइड रे आसला परे से ईस्ट साइड रे से पुणी 30 मीटर जाइछि एपटे 30 मीटर जाइछि तापर बी पोजिशन रे से पहुँचिछि। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिरेक्शन पॉइंट बी फ्रॉम ए ताहले बी रु ए रो डिस्टेंस केते अटे एटारो से बाहर छि ताहले ए डिस्टेंसटा मागिछि यहाँ के प्रथम 100 जाइला तापर 60 रिटर्न आसला ताहले एटा यहाँ के आसी जिवो 40 आसी जिवो ताहले को साइड रे हेबो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड रे हेबो एवं यही 40 रो स्क्वायर एवं 60 रो स्क्वायर यह गोटे त्रिभुज हो जिवो समकोणी त्रिभुज एवं 40 रो स्क्वायर सॉरी 60 नुहे यह 30 रो स्क्वायर एवं 40 रो स्क्वायर जदि आपन करि देबे ताहले यार सटीक आंसर पाई पारिबे बा ए बी इज इक्वल टू कते हेबो ए बी इज इक्वल टू 40 रो स्क्वायर एवं 30 रो स्क्वायर 40 रो स्क्वायर केते अटे 1600 एवं 30 रो स्क्वायर 900 केते हेबो 2500 2500 रो रूट ओवर केते काटिले केते हेबो ता 50 होई जिवो तेनु एहार सटीक आंसर डी हेबो। आपण जदि बुझी पारि नाहन ताले आपण पुणी थरे देखंतु नहले आपण निजे थरे प्रैक्टिस करिले ए क्वेश्चन रो आंसर आपण करि पारिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई गोटे क्वेश्चन दिखाई तापर आम क्या नहीं आम यार आंसर करपरिया। व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट लॉस परसेंट फॉर ए शॉपकीपर जोटे शॉपकीपर रो प्रॉफिट होइछि ना लॉस होइछि ताहा विषय रे आम केते टंका से प्रॉफिट होइछि ना केते टंका लॉस होइछि आम किपर जानि परिबा। ए शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑफ 1 केजी व्हीट एट 30 एबव ईस्ट क्रॉस प्राइस अर्थात सीपी रो कॉस्ट प्राइस रो से अधिक लिखुची 30% अर्थात 100 टंका से किणुची हेले ताले 130 टंका लिखुची। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ व्हीट इज 1 केजी व्हीट को कोन लिखुची से पचास टंका लिखुची 1 केजी व्हीट को ताहले आम यार किपर जानपर तार प्रॉफिट हो ना लॉस हो यार सटीक आंसर हम बोथ स्टेटमेंट को लेकिन आम जापर तेणु यार सटीक आंसर कौन हम सी हे यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ सी प्लस डी मान कौन हो सी प्लस डी मान सी प्लस डी मीन सी इज द ब्रदर ऑफ डी डी रो भाई किए अटे सी अटे एवं सी माइनस डी मान हूँ सी इज द सिस्टर ऑफ डी एवं सी रो डी रो भौनी अटे सी अटे डी रो भौनी सी अटे या को आपन निजे लेखी लेखी करिवे इज द सिस्टर ऑफ डी एंड डी इनटू सॉरी सी इनटू डी मीन सी इज द फादर ऑफ डी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूड्स दैट ई इज द सन ऑफ एम ताहले कौन पचारे एम रो पुओ इ हेबो ताहले कोट हेबो यार सटीक आंसर आपण निजे करिबे यार सटीक आंसर ए हेबो किंतु यार सेटिस्फाई आंसर देउ नै बट यार करेक्ट आंसर करि परिबा नै आपण ए सी को फादर मध्ये करि दिछि कहार सिस्टर मध्ये करि दिछि एवं कौन सी जगह कहार वाइफ मध्ये करि दि जाउछि तेणु आपण यार आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिबे कौन हेबो बा कौन लॉजिक लागिछि ए आंसर रे मु सेटिस्फाई नहे आपण निजे करिबे ए आंसर सी को कौन सी जगह रे ब्लड रिलेशन अनुसार मध्ये या हो नै। तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
ଇନ୍ ଏ ସାର୍ଟେନ୍ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଇଜ୍ 20'ଟା 43 ବୁକ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି 43 ଲେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡି ଓ ଆର୍କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି 52 ଲେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଓ ଭି ଏ ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି ବି ମାନେ କେତେ ଅଟେ ବି ମାନେ ହେଉଛି 2 ଦେଖିବା ଏହା ତାର କୋଡ଼କୁ ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି କି ବି ମାନେ ହେଉଛି 2 ତାପରେ ଓ ମାନେ କେତେ ଅଟେ ଓ ମାନେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ 15 ଜାଣିଛେ ଡବଲ ଓ ଅଛି ତେଣୁ 15 15 ତାପରେ କେ କେ ମାନେ କେତେ ଅଟେ କେ ମାନେ ହେଉଛି 11 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଏହି ସମସ୍ତକୁ 15 15 30 43 ହେଉଛି ତିନୋଟିକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ତାହାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଛି ତାହାର କୋଡ଼ର ଯେତିକି ନମ୍ବର ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଓ ଭି ଏ ଆର୍ର କ'ଣ ହେବ ଓ ମାନେ କେତେ ଅଟେ ଓ ମାନେ ହେଉଛି 15 ଭି ମାନେ କେତେ ଅଟେ ଭି ମାନେ ହେଉଛି 22 ଏବଂ ଇ ମାନେ ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି 18 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଏହା ଏହା ହେବ ଟୋଟାଲ 60 ହେବ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 60 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାହାର କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ତାହାର କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବା ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ବିଟା ଆର୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲଫା ଏବଂ ବିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ହୁଜ୍ GDP ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦିସ୍ ଇୟର୍ କାହାର GDP ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଅଛି କୁହାଯାଇଛି ହୁଜ୍ GDP ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଏହି ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲଫା GDP ୱାଜ୍ 10% ହାୟର ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବିଟା GDP 3 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଛି 3 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ହେଉ ବା 4 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ଜାଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟିରୁ ଆମେ ଏନ୍ସାର୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରି ବିଟା GDP ୱାଜ୍ 10% ହାୟର ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲଫା GDP ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ 3 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଡିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟୁଗେଦର ଆର୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସାର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି 4ଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହେବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସର୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ସ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ କିପରି ଜଣେ ସର୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବା ସର୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ଯାହାର ADHD ଆଟେନ୍ସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରୁନାହିଁ ସର୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ସ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ADHD ରୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କିପରି କରିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଲ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ସ୍ପେନ୍ ସେ ପିଲାଟି ଯଦି ଶୋଇଯିବ ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହେଲେ ତାହାର ଆଟେନ୍ସନ୍ ରହିଯିବ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ଦ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସୋଲ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜେଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଏବଂ ତାହାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ରହିଯିବ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ ଟିଚର୍ ସୋଲ୍ଡ ଟେକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଜନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ବ୍ରେକ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ ତେଣୁ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିଚର୍ ସୋଲ୍ଡ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସ୍ମଲର୍ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିଚର୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ କରି ପଢ଼ାଇବେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ କରି ପଢ଼ାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାଟିର ଧ୍ୟାନ ରହିଯିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅଧା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଧା ଦେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ ସର୍ଟ 20 20 ମିନିଟ୍ ବା 30 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଅରବିନ୍ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍
which of the following levels अरबिंदो को अनुसार कोटा गोटे कॉन्शियस डेवलपमेंट रो इम्पोर्टेंट एम अटे बा अरबिंदो कहा विषय कहते से मानस चित्त इंटेलिजेंस एवं नॉलेज मानस चित्त इंटेलिजेंस एवं नॉलेज तेणु यार सटिक आंसर कौन है ए हम यार सटिक आंसर यहाँ द्वारा कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपमेंट होता है एजुकेशन यह विषय किए कहते अरबिंदो कहते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कंटेंट दैट इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट इज जेनेली अरेंज इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी कैटेगरी कैन बी डिफाइंड एज अर्थात पिला कौन करेगरी अनुसार कैटेगरी अनुसार करें किपर किपर आम डिफाइंड करटेगोरी को आम कौन कही ग्रुप ग्रुप कही तेणु यार सटिक आंसर कौन है ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स एंड फंक्शन डी एव यार सटिक आंसर जार सिमिलर फंक्शन थाए ताक आम गोटे जगह रखा बा ग्रुप करदे पाने किपर कैटेगोरी करेंज करें यार सटिक आंसर कौन है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स एंड और फंक्शन अर्थात सिमिलर फीचर जोटा थी ताक गोटे गोटे जगह करवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कैन बी क्लासिफाइड एज लर्निंग इन ए क्लासरूम पिलाटीर लर्निंग केते बेले होते मॉडिफिकेशन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिहेवियर डी एव तार एक्जिस्टिंग बिहेवियर को जब मॉडिफाई करवा तो लर्निंग होते कौन कह जाए लर्निंग यार सटिक आंसर डी हेब ना ओनली लिखा जाए यार सटिक आंसर कौन है पिलाटीर लर्निंग केते बेले होते बी एव यार सटिक आंसर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर एक्जिस्टिंग प्रीवियस बिहेवियर सहित से न्यू बिहेवियर सहित जो मॉडिफाई करते कौन कहे लर्निंग लर्निंग होता है यहाँद्वारा बा लर्निंग यह डेफिनेशन अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एम्फासाइज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थात मदर टंग को कौ जगार कहला गोटे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भावे बा फास्ट लैंग्वेज विषय कहला कौ जगार कहला कहला बेसिक एजुकेशन कौन कह जाए वार्धा एजुकेशन कह कि आनी 1937 मसीह गांधीजी आनी कौन कहला मदर टंग को बा फास्ट लैंग्वेज को कौन कह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भाव में रखा कहला तेणु यह बेसिक एजुकेशन कहला महात्मा गांधी द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज नॉट एट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग ट्रायंगुलर प्रोसेस टीचिंग कौटा न थाए कट लिखा जाए किए था स्टूडेंट था सहित टीचर था सहित एनवायरमेंट थे करिकुलम थे स्टूडेंट स्टूडेंट निहाती रहिबे टीचर निहाती रहिबे ता सहित एनवायरमेंट दरकार एनवायरमेंट ना करिकुलम दरकार तेणु करिकुलम टीचर्स एवं स्टूडेंट हो पार कि पेरेन्ट्स हे ना यार ट्रायंगल किए हो पार ना कहुई तेणु पेरेन्ट्स हो पारे ना यार एनवायरमेंट हो पारा करिकुलम हो पारे करिकुलम सठिक थाए बा एनवायरमेंट सठिक हो पारे किंतु पेरेन्ट्स यही जगह हो पारे ना तेणु नट लग जाए तेणु पेरेन्ट्स हे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एवं असेसमेंट समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव एवं समेटिव असेसमेंट मध्य कौन डिफरेंस रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट आम के लिए करूँ ड्यूरींग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पिलाटीर फिडबैक् ने तार परफॉर्मेंस को जानापी पिलाटी बुझीचे ना ना पाठ को कौन सी आम पढ़ाई समय ड्यूरींग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एवं समिटिवटा के इंस्ट्रक्शनल एड एंड रे पिलाटी केते दूर पर्यंत अचीव करी ताको जानिबा पई आमे समिटिव असेसमेंट करी थौ बा इंस्ट्रक्शनल एड एंड रे बा लास्ट रे करी थौ तेणु कोटा गोटे डिफरेंस अटे यार सटिक आंसर हम बी हे समिटिव असेसमेंट हेल्प टू द टेस्ट मास्टरी ऑफ कंटेंट बट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन करते तार लर्निंग को सपोर्ट करते पिलाटे बुझीचे ना ना एवं
সমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কোন করে তার টেস্ট নেই থাকে বা কেতে দূর পর্যন্ত সে মাস্টারি করেছে বা অবজেক্ট কু সে অ্যাচিভ করেছে তাহাকে জনা যাই থাকে তেমনি এর সঠিক আনসার বি হব। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, বেঞ্জামিন ব্লুমস ট্যাক্সোনমি অফ কগনিটিভ ডোমেন্স অফ লর্নিং ক্লাসিফাইজ টাস্কস ইনটু সিক্স ক্যাটেগরি। বেঞ্জামিন ব্লুমস কোন দিয়েছিল বা ব্লুমস ট্যাক্সোনমি সে কোন দিয়েছিল, কগনিটিভ ডোমেন বিষয়ে দিয়েছিল, তা সহিত এফেক্টিভ ডোমেন বিষয়ে দিয়েছিল, তা সহিত সাইকোমোটর ডোমেন, কগনিটিভ এফেক্টিভ এবং সাইকোমোটর ডোমেন বিষয়ে বেঞ্জামিন ব্লুমস দিয়েছিল। কগনিটিভ কগনিটিভ এফেক্টিভ এবং সাইকোমোটর ডোমেন তিন প্রকার ডোমেন সে দিয়েছিল। তেমন কগনিটিভ ডোমেন এই আসি থাকে কোটা নলেজ কম্প্রিহেনশন এপ্লিকেশন এনালিসিস সিন্থেসিস এবং ইভালুয়েশন কোটারে আসতে কগনিটিভ ডোমেন কু এখন ক্লাসিফাইড করা যাইছি। তাহলে টু হুইচ ক্যাটেগরি ডজ দ ফলোইং টাস্ক বিলং টু, কম্পারিং দ টু ডিফারেন্ট গ্রাফস এন্ড টেলিং হোয়েদর চিলড্রেন অফ দ ইনর সিটি স্কুল আর ডুইং বেটার এট রিডিং স্কিল দেন দ্যাট অফ দ রুরাল স্কুল, অর্থাৎ রুরাল স্কুল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলর স্কুল অপেক্ষা সিটির স্কুল মানে বেটার থাকে, রিডিং স্কিল তাঁকর বেটার থাকে। এই বেঞ্জামিন ব্লুমসর ট্যাক্সোনমি কগনিটিভ ডোমেন কোঠার আসতে কগনিটিভ ডোমেন কু এই ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, তেমন কোঠার আসতে ইভালুয়েশন রে আসি থাকে। আমি কাহা বিষয়ে যদি কোনসি কম্পারিজন করিবা দুইটি জিনিস মধ্যে বা দুইটি স্টুডেন্ট মধ্যে আমি কম্পারিজন করিবা, তাহলে কো জায়গায় আসতে কগনিটিভ ডোমেন রবে বেঞ্জামিন ব্লুমসর কগনিটিভ এফেক্টিভ এবং সাইকোমোটিভ ডোমেন রে কগনিটিভ ডোমেন র ইভালুয়েশন রে আসি থাকে তাহা। তেমন এর সঠিক আনসার কোন হব, ইভালুয়েশন হব এর সঠিক আনসার বা সি হব এর সঠিক আনসার। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হুইচ স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ সেট টু স্টার্ট দ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট আইটি ক্যাম্পস ফর ডিফারেন্টলি এবল পর্সন, ডিফারেন্টলি এবল বা পিএইচ মানক পাই ফার্স্ট আইটি ক্যাম্পস কেউ স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা করা যাইছিল প্রথমে কাহা দ্বারা করা যাইছিল, তেলেঙ্গানা দ্বারা করা যাইছিল। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, সিআইএসসি র ফুলফর্ম কোন অটে, সিআইএসসি র ফুলফর্ম কোন অটে, কাউন্সিল ফর দ ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিশন, ইয়ে হব এর সঠিক আনসার কাউন্সিল ফর দ ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিশন। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, আপনার চ্যানেল কু এবে পর্যন্ত সবসক্রাইব করে না তাহলে সবসক্রাইব করতু, এবং কোণী পয়েন্ট যদি আপনার বুঝি পারি না তাহলে আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। হিমালয় কেউ পদ অটে, হিমালয় গোটে নাম তেমন কোণ হব, যে পদ কোণী নামক বুঝাইলে তাহলে আমি কোণ কই বিশেষ পদ কই তেমন কোণ অটে বিশেষ অটে, নাম বদলরে ইউজ কলে তাহলে সর্বনাম এবং কোণী কোয়ালিটি বিষয়ে আমি জাঁয়া তার গুণ বিষয়ে তাহলে বিশেষণ কুহযায়, এবং অব্যয় কেবে মধ্যে চেঞ্জ হয়ে নাই, তেমন হিমালয় গোটে নাম তেমন গোটে বিশেষ পদ অটে। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, ড এবং ঢ পদর কেউ স্থানের বিন্দুযুক্ত হয়ে উচ্চারিত হুঁতি, কোঠার বিন্দুযুক্ত হয়ে সে উচ্চারিত হতি আরম্ভক ছাড়ি অন্যরে, অর্থাৎ আরম্ভরে এমানে হুঁতি না, ড এবং ঢ আরম্ভরে লাগে না এবং ইয়কু মধ্যে লাগে না, য কু কাহি তালবীয় ব্যঞ্জন কুহযায়, য কু কাহি তালবীয় ব্যঞ্জন কুহযায়, কাহি না উচ্চারণ সময় জিভর আগ অংশ তালুরে লাগুবার তাকে তালবীয় ব্যঞ্জন কুহযায়। আপনার কিপর রাখিপার মনে রাখিপার বা জাঁপার, বর্গ ব্যঞ্জন কু যে পঁচিশটি ভাগের বিভক্ত করা যাই বা স্পর্শ ব্যঞ্জন মধ্যে কুহযায় বর্গ ব্যঞ্জন কু, যে ট্রিক অছি পাঁচটি ভাগের বিভক্ত করা যাই ক চ ট ত প এবং ক তা মুদ, আপনার জাঁথিলে করে। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, পদ্য পদ মধ্যে রু র স এই তিন বর্ণ পরে নিলে তা স্থানের কেউ বর্ণ হয়ে নু র স এই তিন বর্ণ পরে কোণ লে নিলে সেই স্থানের কোণ হয়ে ন হয়ে তেমন এর সঠিক আনসার কোণ হব ন হয়ে। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, ল ফলা ল যুক্ত হলে কেউথির রূপান্তরিত হুয়ে,
कोठारे लरे होते ए हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ब को के व्यंजन ध्वनि कहुए ब को कौ व्यंजन ध्वनि कहुए कैटेगरी आए ब ओष्ठ्य व्यंजन में क चट तप प फ ब भ म तेणु यह कौटे आए ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अधिकरण कारक क्यों विभक्ति होता है अधिकरण कारक के कौन से टाइम को एवं कौन से प्लेस को सुचाइले कौन होता है अधिकरण कारक एवं अधिकरण कारक हो दुई प्रकार केतल होता है सप्तमी विभक्ति कौन से टाइम को एवं कौन से प्लेस को सुचाइले बा सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गछरु पत्र पड़ुची वाक्य आसीथिबा शब्द गछ क्यों कारक अटे गच को कारक अटे यह गोटे अलग है तेणु अपादान कारक। अपादान कारक कौन होता है पंचमी विभक्ति कौन से विच्छिन्न क्षेत्र में अलग होगा क्षेत्र में कौन होता है पंचमी विभक्ति एवं अपादान कारक गछर पत्रटे कौन होची अलग है तेणु अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति विच्छिन्न क्षेत्र में अलग होगा क्षेत्र में अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु यह तीनोटी क्यों वर्ण अटंती यह अजोग भाई बा अविभाज्य व्यंजन कहुए वर्ण कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जो शब्दर कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं बा ताकु की शब्द कहुए गोटे वर्ण को आम काटि पारा ना आम जब काटिद अर्थ प्रकाश कर न थाए बा अर्थ प्रकाश कर से असंपूर्ण होता है मौलिक कहुए यार आम कौन सी काटि पारा ना काटिले अर्थ प्रकाश करना तेणु यह ओडिया ग्रामर। नेक्स्ट देखा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन को आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ता करूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंडीशन ऑफ सब्सिडियरी रिलायंस कोटा गोटे सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम रो कंडीशन नुहे सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम माने कौन अटे सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम किए आम देश में किए इंट्रोड्यूस करते 1798 मसीह लॉर्ड वेलेसली 1798 मसीह सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम को आम देश में आनी फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स यहाँ को इंट्रोड्यूस करते फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स को कौन कहुए पोनियर ऑफ सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम कहुए और हैदराबाद निजाम कौन करते हैदराबाद निजाम 1798 मसीह प्रथम यह एक्सेप्ट करते सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम को एवं सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम कौन अटे सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम मैंने कौन अटे मनकर जड़े राजा अच्छा ए राजा आम देशर ताक ब्रिटिशर मैंने जा कौन कहते कि राजा मान समस्त सैन्य सामंत को ब्रिटिशर मान को देदेव एवं ब्रिटिशर मैंने सुरक्षा करेंगे बा सहित कहीं मत युद्ध करती है ब्रिटिशर मैंने युद्ध करेंगे यह सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम एवं आम देश राजा मैंने कौन करुते जो सैन्य सामंत देते तहार खाइबा रहा चार्ज ब्रिटिश मानक दे जो दे न पारे तो ये ए राजा किसी किसी एरिया को से ब्रिटिशर मैंने नहीं जी आम ए देश सहित कौन करेंगे आम देश राजा ताको राज्य कौन से डिसीजन नहीं पारे ना कौन कहार सहित चुक्ति करें ना यह सब्सिडियरी रिलायंस सिस्टम एवं यहाँ संप्रभुता को हर बसिले आम देश राजा मैंने तेणु कौटा नुहे कहुई इंडियन स्टेट वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फोर्सेस सठिक अटे कंपनी फोर्सेस द्वारा से प्रोटेक्शन ने सुरक्षा ने इंडियन रूरर हैड टू पे फर द कंपनी फोर्सेस मान को पैसा देते कहीं मेंटेनेंस चार्ज पर इंडियन रूरर वेयर नॉट अलाउड टू किप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स एवं आम देश राजा मैंने कौन से निजर आर्म फोर्स रखिपार नी प्रोसेस द्वारा किए सुरक्षा देता ब्रिटिशर मैंने देते इंडियन वेयर इंडियन रूलर्स कुड नॉट एडॉप्ट चिल्ड्रेन विथ परमिशन फ्रॉम कंपनी चिल्ड्रेन विषय यह कहुए यह
डॉक्टर ऑफ लैब्स कहला तेणु यार सठिक आंसर कौन हम डी टी रंग दि जाइए तेणु कौटा नट लिखा जाइए तेणु डी हम ह्वाट इज द आर्मस एक्ट अफ 1878 स्टिपुलेट अर्थात आर्मस एक्ट के आसला आर्मस एक्ट 1878 मसीह आसी आर्मस एक्ट किए आनी लॉर्ड लिटन आनी आर्मस एक्ट को एथेरे कौन कह नो बॉडी कुड कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस बिना लाइसेंस रे केही बंदूक रखि पारिबे नै किंबा आर्म्स जिनिष रखि पारिबे नै कहा जाइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड लॉर्ड मैकाले सजेस्टेड टू ऑर्गेनाइज इंडियन सोसाइटी इन ए टाइपिकल वेस्टर्न मॉडर्न लॉर्ड मैकाले कौन करथिले इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न करबा पई इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एवं 1934 मसीह 1935 मसीह से इंग्लिश लैंग्वेज को बा इंग्लिश को गोटे मीडियम पे इंस्ट्रक्शन भाव से इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड मैकाले बा मैकालेट मिनुस कमिशन यहाँ द्वारा आसी से कौन कहते भारत भारतीय मानकर केवल कलर चेंज हे ना और अन्य समस्त चेंज हे कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रे सेंट्रल पावर किए नथिले कहुछि किए नथिले कहुछि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केबे रु केबे पर्यंत 1914 रु 1918 पर्यंत होइतिला एरा एग्जैक्ट डेट केते अटे 28 जुलाई 1914 रु 11 नवंबर 1918 सेंट्रल पावर एवं एलाइड पावर मध्ये युद्ध होइतिला तेणु किए नथिले फ्रांस फ्रांस नथिले ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी एवं तुर्की थिले किंतु फ्रांस नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहुए क्या कहुए दादा भाई नारोजी यार सठिक आंसर है दादा भाई नारोजी कौन कहुए ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहुए से आम देश प्रथम नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते ब्रिटिश पार्लियामेंट रो प्रथम मेंबर थे दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा किसी स्टेटमेंट दी अनुसार कौटा सठिक अटे कौटा फॉलो करुच्ची कह स्टेटमेंट देवेंद्रनाथ टैगोर फादर ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर फाउंडेड द तत्वधीन सभा टू प्रोपोगेट राममोहन राय आइडिया कनक्लूजन रे कौन दी राम रवींद्रनाथ टैगोर केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ सोशल रिफॉर्म देवेंद्रनाथ टैगोर वाज ए फॉलोअर ऑफ राममोहन राय देवेंद्रनाथ टैगोर वांटेड रवींद्रनाथ टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स रवींद्रनाथ टैगोर वाज मेंबर्स ऑफ तत्वधीन सभा तार स्टेटमेंट रे कौन दिखाई देवेंद्रनाथ टैगोर फादर ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्वधीन सभा टू प्रोपोगेट राममोहन राय आइडिया तेणु यार सठिक आंसर कौन हम यह समस्त विषय में कहुई तेणु समस्त ऑल ऑफ द अबव हम यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी द्वारा ब्रिटिशर मैंने कौ स्टेट को कैप्चर कर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी माने कौन अटे जो राजा निजर बायोलॉजिकल चिल निजर पुत्र नथिबे सही राज्य किए नौते ब्रिटिशर मैंने कैप्चर नौते एवं यहाद्वारा कौन करते 1848 मसीह सर्वप्रथमे से माने सतारा को नहीं जाते 1849 मसीह से जयपुर और संबलपुर आम ओडार संबलपुर और जयपुर को नहीं गले 1849 मसीह कौन करें तापरे झांसी को नहीं 1853 मसीह तेणु यार सठिक आंसर कौन हम झांसी झांसी को 1853 मसीह 1854 मसीह से माने नागपुर को नहीं 1854 मसीह 1856 कोटा को नेले 1856 को अवध को किंतु अवध को यही डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी द्वारा नेले ना अवध राजा वाजिद अली शाहर अनेक गुड़े पुत्र और अनेक गुड़े पत्नी थे ताको कौन कारण दर्शाई नहीं थे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन बा अनकन्स्टिट्यूशनल अच्छी कही ताक नहीं तेणु यार सर्ट आंसर कौन हम झांसी को नहीं झांसी को हु आज द फाउंडर ऑफ ब्राह्म समाज फाउंडर किए अटंती राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन कोटा गोटे फीचर अटे आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे टोटलिटेरियन स्टेट अटे नुहे रंग अटे इंडिया इज ए रिलीजियस स्टेट आम स्टेट गोटे रिलीजन अनुसार करा जाइछि नुहे
ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଅଟେ, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟେ, ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜନ୍ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜନ୍ ନଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଅନୁସାରେ ତାହାର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ହିଟଲର ଅର୍ଡ଼ର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ପୋଲାଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଇନଭେଜନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ବାଇ ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ୱାର୍ ଅନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡିକ୍ଲେୟାର ୱାର୍ ଅନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ଜର୍ମାନୀକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ତାହାଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ୱାର୍ ଜର୍ମାନୀକୁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀ ବା ହିଟଲର ଦ୍ୱାରା ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବା, ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ହୁ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱେଦର୍ ଏ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କୁହାଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ରେ ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ପିକର, ସ୍ପିକର କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ବିଧାନସଭାର ସ୍ପିକର ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସ୍ପିକର କରିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଇଛି, ୟୁନିଅନ୍ରେ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ପିକର ସ୍ପିକର କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କରିଥାନ୍ତି, 110 ଆର୍ଟିକେଲରେ ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଭା, ଲୋକସଭାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ରାଜ୍ୟସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରାମେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ରାନ୍ସାନ୍ସିଂ ଅଲ୍ ଦ ନୋନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ହୁ ସେଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ୱାର୍ଲଡ଼ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦେଶରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାହାର କନସେପ୍ଟକୁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ରିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ଅପୋଜ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କାହିଁକି ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ଫରେନର୍ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ସି ହେବ, ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍ ୱେର୍ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍, ସେଥିରେ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର୍ ଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍, ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୈଶୂର ୱାଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଉଡ଼େଜ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଅନ୍ ମୈଶୂର, ନୁହେଁ, ଏହା ଏହା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ୱାର୍ କିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଟେ, କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ରୁ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍ସ ଜିତିଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ସଠିକ୍ ଅଟେ, କେବଳ ବିଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ପାୱାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଜାପାନ୍, ଏଲ୍ ଆଇ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏକ୍ସିସ୍ ପାୱାର୍ ମାନେ କିଏ ଅଟେ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲି ଏବଂ ଜାପାନ୍, ଏଲ୍ ଆଇ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଅଟେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ୟମୁନା ରିଭର୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଗ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇଗଲେ, ତା ସହିତ ଯମୁନା, ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ନେଇଗଲେ, ଯମୁନା ରିଭର୍, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନେଇଗଲେ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭର୍ଦିକ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ ଗୋଲୋକନାଥ କେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ କେସ୍ରେ, ଗୋଲୋକନାଥ କେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବରେ,
पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू एब्रोगेट फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइटर कौन से जिनस को से चेंज कर पारे ना कही किंतु केशवानंद भारती जो केस होता 1973 से कही कि पार्लियामेंट चेंज कर पारे बोली एवं को आर्टिकल अनुसार चेंज कर 368 आर्टिकल रे। किंतु यही केस्रे कौन करते गोलोकनाथ बसा स्टेट ऑफ पंजाब रे पार्लियामेंट को चेंज कर पारे ना फंडामेंटल राइट को कही पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू एब्रोगेट फंडामेंटल राइट अर्थात फंडामेंटल राइट को चेंज कर पारे ना। किंतु पार्लियामेंट वर्तमान जो करुच्छे ता 1973 मसीह केशवानंद केस जो होता केशवानंद भारतीर केस ता अनुसार करुच्छी से पार्लियामेंट पुणी कही कि पार्लियामेंट पाखे अधिकार अच्छे कि से 368 आर्टिकल अनुसार चेंज कर पार कि केस्रे से पार ना कही पार्लियामेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट। हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल लोकहितवाड़ी क्या लोकहितवाड़ी कह जाए क्या कहुए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवाड़ी कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु सेड प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कही प्रीएम्बल को गोटे आइडेंटिटी कार्ड आम कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल रु आम क्लास करे आप देखी ना इंडियन पॉलिटिक्स प्लेलिस्ट को देखिपर तेणु यार आंसर किए कौन कही प्रीएम्बल को ता विषय में आम करे तेणु आप आंसर कमेंट बक्स में कमेंट करूँ आपण क्वेश्चन प्रीएम्बल को किए कही आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यह हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रो। नेक्स्ट देखा जियोग्राफी केमी क्वेश्चन आसाला आपड़ एवं पर्यटन जदि लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करूँ और लाइक करना तेल लाइक करूँ तेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड इन एग्रीकल्चरल फार्मिंग इज प्रपोज बाय किए यह प्रपोज करते मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड को बा एग्रीकल्चर किपर डेवलपमेंट हो पार यह विषय किए देते रफी उल्ला देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फोर स्टेट आर अवार्डेड UMPPS अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यही अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा को स्टेट को अवार्ड दिया जाइला को चारोटी स्टेट को अवार्ड दिया जाइला कोटा को मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश एवं झारखंड मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश एवं झारखंड को अवार्ड दिया जाइला UMPPS अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच स्टेट बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड को राज्य रे बक्सा टाइगर रिजर्व अच्छी कोठारे अच्छी वेस्ट बेंगल रे अच्छी एवं यहाँ केबे टाइगर रिजर्व कर 1983 मसीह टाइगर रिजर्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कोटा ट्रू एवं कोटा फल्स दि जाए हिमालय आर कल्ड एज द यंग फुल माउंटेन सठिक अटे हिमालय गोटे यंग फुल माउंटेन अटे द हिमालय आर फॉर्मेड ड्यू टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एवं प्लेट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट द्वारा तैयारी हो सठिक अटे को प्लेट सीसी प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट रो कन्वर्जेंट द्वारा हिमालय तैयारी होंग फुल माउंटेन यह कम वर्ष होती तेणु यह यंग फुल माउंटेन कहुए तेणु बोट ट्रु अटे। सिल्वर को प्रकार रिसोर्सेस अटे सिल्वर को प्रकार रिसोर्सेस अटे को रिसोर्सेस अटे यहाँ आम पैसा इनकम कर तेणु इकोनोमिक रिसोर्सेस अटे। व्हिच इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेस रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेस अनुसार को स्टेट रिचेस्ट अटे कोटा अटे ब्राजिल यार सठिक आंसर हम ब्राजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इंडिया को प्रकार लोकेशन अटे को लोकेशन रे अच्छी इंडिया कोटारे पेनिनसुलार पेनिनसुलार माने कौन अटे तीनोटी साइड रे थ्री साइड रे वाटर थिबो एवं गोटे साइड रे नथिबो तीनो साइड रे वाटर थिबो एवं गोटे साइड रे स्थल भाग थिबो ताहा कौन कहजे पेनिनसुलार कहजे तेनु इंडिया एही बोली अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंटरनेशनल डेडलाइन क्या कहुए इंटरनेशनल डेडलाइन
ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପରେ ଆମେ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପାର ହେଲା ପରେ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟୁରିଂ ସମର୍ ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ସନ୍? ସମର୍ ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାହାର ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ, ବା ପୃଥିବୀର ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମର୍ ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ରେ? ଫାଦେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସନ୍, ବା ସନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, 21 ଜୁନ୍କୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ଟ ନାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ? ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଜମିର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ତାହାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ରାଇଟ୍ସ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପନ୍ସିଲ୍, ଏହା କିଏ ଆଣିଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ଆର୍ଥକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ନର୍ଥ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ? କେଉଁଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ଇକ୍ୱେଟର, ଇକ୍ୱେଟର ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ବା ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ବେସିକାଲି? କେତୋଟି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ, କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ କଜ୍ ଏଲୋନେନ୍ ଇରୋଜନ୍? ଏଲୋନେନ୍ ଇରୋଜନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଟା ତାହାର କାରଣ ଅଟେ, କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, ୱିଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପବନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାୟୋମ, ବାୟୋମ ବାୟୋମ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, କେଉଁଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିଥାଏ ବାୟୋମ ମାନେ? ଏନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍, ତାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏନିମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏରିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏନିମଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବାୟୋମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଟ୍ସ ୱିଣ୍ଟର୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ୱିଣ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ପବନ ଦ୍ୱାରା ୱିଣ୍ଟର୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2020 ମସିହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।